वंदे पुरुषोत्तम। इतना आनंद पहले कभी नहीं था। हिमायतपुर पावना जिला का पड़ोसी गांव नाजिरपुर ग्राम निवासी श्री दुर्गानाथ सन्याल श्री ठाकुर के संसर्ग में आकर दीक्षा लिए और उनके ही रंग में पूरी तरह से रम गए। यह देखकर उनके बचपन के दोस्त गिरिंद्रनाथ लाहिरी उनको डांटते हुए बोले, तुम अपना घर द्वार यार दोस्त सब कुछ को भूलकर अनुकूल चंद्र के साथ पूरी तरह से रम गए हो। वाद विवाद करते करते गिरिंद्र लाहिरी शपथ लेते हुए बोले, मैं तुमको अनुकूल चंद्र का संग छुड़वा कर रहूंगा। दुर्गानाथ दा भी जोश में आकर बोले, मेरे ठाकुर दयाल हैं, तुम मेरे दोस्त एवं रिश्तेदार भी हो, मैं भी शपथ लेता हूं कि तुमको श्री श्री ठाकुर के चरणों में लाकर ही रहूंगा। यह बात बोलकर दुर्गानाथ दा श्री श्री ठाकुर के नजदीक चले गए। श्री श्री ठाकुर और अनंतनाथ पद्मा नदी के किनारे बैठकर बात कर रहे थे। दुर्गानाथ दा श्री श्री ठाकुर के निकट लाहिरी दास के साथ शपथ वाली पूरी घटना बतलाए। श्री श्री ठाकुर बोले, वह इस जन्म में मेरे पास नहीं आएगा, अगले जन्म में आएगा। अनंतनाथ दा श्री श्री ठाकुर से अनुरोध करते हुए बोले, जब दुर्गानाथ दा ने शपथ ले ही लिया है तो उसे आप पूरा कर दीजिए। श्री श्री ठाकुर बोले, वे तुम दोनों की बातों में दीक्षा नहीं लेगा, लेकिन कुष्टिया के सतीश ज्वयारदार को बुलाकर यदि याजन करवा सको तो दीक्षा ले सकता है। श्री श्री ठाकुर के निर्देशानुसार दुर्गानाथ दा दूसरे दिन डाक द्वारा सतीश दा को पत्र भेज देंगे कहकर घर लौट गए। दूसरे दिन दुर्गानाथ दा और गिरिंद्रनाथ लाहिरी स्नान आदि के बाद काशीपुर के योगेश चौधरी के घर गए। पोस्ट ऑफिस योगेश दा के घर में ही था। वहां पर सतीश दा को उपस्थित देखकर दुर्गा दा आश्चर्यचकित हो गए। दोनों एक दूसरे के कुशल मंगल पूछने के बाद दुर्गा दा सतीश दा को एक किनारे ले जाकर पूछे, आप अचानक यहां कैसे पहुंच गए? सतीश दा बोले, आज सुबह नाम ध्यान करने के समय मेरे कान में से श्री ठाकुर की आवाज आई कि शीघ्र यहां चले आइए, बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तुरंत सिर्फ एक फतुहा कुर्ता लेकर ही चला आया। श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने के साथ ही साथ वे मुझे काशीपुर के योगेश चौधरी के यहाँ जाने के लिए बोले। क्या काम है? वह कुछ भी नहीं बतलाए हैं। इसके बाद दुर्गानाथ दा गिरिंद्र लाहिरी के साथ घटी घटना को विस्तार पूर्वक बतलाए। योगेश दा के अनुरोध पर दुर्गा दा सतीश दा एवं गिरिंद्र लाहिरी दा दोपहर का भोजन एक साथ किए। भोजन करने के बाद आपस में वार्तालाप करने लगे। सतीश दा के याजन से उद्बुद्ध होकर शाम 5 बजे गिरिंद्रनाथ लाहिरी बोले, चलिए श्री श्री ठाकुर के पास जाकर कुछ वार्तालाप करते हैं। सभी लोग आश्रम में श्री श्री ठाकुर के नज़दीक पहुँचे। कई घंटे बाद दुर्गानाथ दा श्री श्री ठाकुर के समीप पहुँचकर देखते हैं कि गिरिंद्र लाहिरी दा जननी मनमोहिनी देवी के समीप बैठकर रो रहे हैं। पता चला दीक्षा हो गई है। गिरिंद्र दा दुर्गानाथ दा को देखकर बोलने लगे, भाई मैं बिना कुछ जाने समझे इतने दिनों तक तुमको कितना अपशब्द बोलता रहा, लेकिन तुम आज मेरा जीवन धन्य कर दिए हो। सच में जीवन में इतना आनंद मुझे इसके पहले कभी नहीं मिला था। श्री श्री ठाकुर से जय गुरु।